हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा कि एसी करंट है और डीसी करंट है। मेनली एसी करंट और डीसी करंट ये क्या होता है, इसे हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एसी करंट और डीसी करंट में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसी करंट क्या है और डीसी करंट क्या है, दोनों का यूज कहां पर किया जाता है। तो बहुत सारी जानकारी वाला यह वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि आपका कंफ्यूजन जो है एसी करंट और डीसी करंट में, इन दोनों के बीच जो कन्फ्यूजन रहता है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। चलिए, यहाँ पर दिया है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, इसी को क्या बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं, तथा दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, इसी को हम डीसी करंट बोलते हैं। यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, एसी करंट और डीसी करंट जो होते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसी करंट एंड डीसी करंट, और फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अब हम देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जो है, इसका गुण क्या है। प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तनीय परिमाण की एक दिशात्मक धारा है, यानी प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट जो है परिवर्तनीय परिमाण की, यानी जो इसका करंट का मान है वह बदलता रहता है, और एक दिशात्मक धारा यानी एक दिशा में नहीं बहता है। और इसमें क्या बोल रहा है कि जो डायरेक्ट करंट होता है यह स्थिर परिमाण होता है, यानी जो इसका परिमाण जो होता है, जो मान होता है, वह स्थिर होता है, और यह एक दिशात्मक धारा है, एक ही दिशा में यह फ्लो करता है। यानी करंट यदि राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो केवल राइट डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, न कि लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है, जो डीसी करंट होता है। इसी वजह से आप लोग देखते हैं जो जनरेटर से लाइन, यदि आप किसी भी आदमी को जनरेटर से मारता है तो झटका नहीं मारता है, बल्कि जो बिजली हमारा आता है यदि उसमें करंट आपको मारता है तो कुछ समय के बाद झटका मार के दूर फेंक देता है। यही रीजन मेन होता है लाइन वाले जो हमारे करंट आते हैं और जो हमारा जनरेटर से करंट उत्पन्न होता है, इसी के कारण होता है। यानी यह एक दिशात्मक होता है और यह एक ही दिशा में नहीं फ्लो करता है, यानी अल्टरनेट होता रहता है। दूसरा हमारा जो डिफरेंस है वह है कि प्रत्यावर्ती धारा से प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट होगा उससे प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो धारा की दिशा के लंबवत स्थापित होता है, और स्वयं निकटवर्ती अन्य परिपथ में विद्युत वाहक बल्ब को भी प्रेरित करता है। लेकिन जो डीसी करंट होगा वह दिष्ट धारा द्वारा, यानी डीसी करंट द्वारा धारा की दिशा के लंबवत स्थित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी इसके लंबवत उत्पन्न होता है। अब है अगला हमारा डिफरेंस, तीसरा जो है वह कि अल्टरनेटिंग करंट या डीसी करंट का मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसको हमने पहले ही डिफरेंस में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से इसे डिफरेंसेस में जोड़ा है, तो इसे भी देखते हैं कि जो एसी करंट होता है इसका मान दिशा, इसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन डीसी करंट का मान तथा दिशा नियत रहते हैं, समय के साथ बदलते नहीं है। चौथा डिफरेंस है कि आमतौर पर घरों में उपयोग होने वाली जो करंट होती है एसी होती है, जिसका प्रयोग हम बल्ब, कूलर, पंखा, टीवी आदि में करते हैं। यानी जो हम बल्ब जलाते हैं, कूलर का यूज करते हैं, पंखा चलाते हैं या टीवी चलाते हैं, इसके यूजेज के लिए एसी करंट का यूज ज्यादा जगहों पर किया जाता है। लेकिन हमारे मोबाइल की बैटरी में जो होता है वह क्या लगाता है, डीसी करंट होता है। इसके अलावा वेल्डिंग में भी डीसी करंट का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बैटरी में किया जाता है, सेल में डीसी करंट होता है। और पांचवा हमारा डिफरेंस है कि जो एसी करंट होता है इसका उत्पादन अल्टरनेटर के द्वारा किया जाता है, यानी अल्टरनेटर के द्वारा डीसी करंट को हम एसी करंट में बदलते हैं। यदि हमारे पास कोई डीसी करंट है, यदि हम उससे, जैसे मान लीजिए आप जनरेटर चला रहे हैं टीवी को चलाने के लिए, तो हमारे टीवी के लिए क्या चाहिए, एसी करंट चाहिए, तो हम उसको कैसे एसी करंट में कन्वर्ट करेंगे डीसी करंट को, तो डीसी करंट को जो जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिक मिल रहा है उसे हम अल्टरनेटर के यूज करके एसी करंट में बदलेंगे। और दिष्ट धारा का उत्पादन के लिए जनित्र का यानी डायनमो का यूज किया जाता है। यानी जब मान लीजिए हमें
जो हमारी लाइट मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, यदि हम उसे डीसी में बदलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बैटरी होता है हमारा मोबाइल चार्ज करने के लिए जो चार्जर होता है वह डीसी करंट का यूज करता है, तो उसे हम डीसी में बदलने के लिए डायनमो का यूज करते हैं जो उस चार्जर में ही लगा होता है। छठा डिफरेंस है कि एसी का उत्पादन 33,000 वोल्टेज तक किया जा सकता है, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट है यह 33,000 वोल्ट तक उत्पादित किया जा सकता है और डीसी करंट का उत्पादन केवल 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस डिफरेंसेस है। सातवां है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है वो क्या होती है, डायोड होती है। यानी एसी को जो डीसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है वह डायोड करता है और डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है वह होता है इन्वर्टर होता है। अगला, एसी धारा के लिए आवृत्ति का मान घरेलू उपयोग के लिए 50 हर्ट्ज होता है। ये जो स्टैंडर्ड है इंडिया का वह होता है एसी धारा जो होती है, एसी धारा के लिए आवृत्ति का मान जो यानी हमारी आवृत्ति होती है एसी करंट के लिए वह 50 हर्ट्ज पर सभी जो हमारी डिवाइसेस होती हैं वह बनाई जाती हैं। 50 हर्ट्ज आवृत्ति तक की वह सहन कर सकती हैं जो करंट होती है, और डीसी जो धारा होती है वह आवृत्ति का मान शून्य होता है। नौवां है कि एसी धारा के लिए आवर्तकाल 0.02 सेकेंड होता है एंड डीसी धारा के लिए आवर्तकाल अनंत होता है। लास्ट है और दसवां है कि एसी धारा तुलना में कम हानिकारक होती है लेकिन डीसी धारा अधिक हानिकारक होती है। तो ये थे हमारे एसी करंट और डीसी करंट में कुछ मुख्य डिफरेंसेस, जिसे आप लोग बहुत ही अच्छे से समझाने की हमने कोशिश किया है आप लोगों को। यदि अभी भी कहीं दिक्कत रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।